दो कंपनीज के बारे में, यस। एंड दो कंपनियां ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, यस। टाटा ग्रुप की हम लोग बात करने वाले हैं। सो टाटा ग्रुप में दो दमदार कंपनियां कौन सी, तो एक है टाटा मोटर, इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है, एंड दूसरी है टाटा पावर। इससे रिलेटेड बात करें तो अनऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को मिली, बट जिस प्रकार से ये फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है, ये खबर आज नहीं तो कल सच भी साबित होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो इन दोनों कंपनी से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको अभी हम लोग आराम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टाटा मोटर के साथ। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें तो क्या खास है आज के दिन की बात करें तो, यस, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर मतलब क्या, अक्टूबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 तारीख इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी मंथ की 1 तारीख को ऑटो कंपनी की सेल्स के आंकड़े सामने आ जाते हैं, एंड टाटा मोटर की और इसके ओर हाँ ज़्यादा फोकस रखा जाता है। क्यों देखा गया तो ये बाकी का जो अपना बिजनेस करते हैं ऑटो सेल्स का वो चलते रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका परफॉर्मेंस कैसे है वो देखने में मज़ा कुछ और ही रहता है। तो चलिए दोस्तों नंबर से यहाँ पे सामने आ चुके हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी देखा गया तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। 5 दिन में 1.25%, 1 महीने में 3.5%, 6 महीने में 48%, साल भर की बात करें तो 58-60%, 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो सीधा नक्शा ही बदल गया, 200% देखने को मिल रहे। एक ज़माना ऐसा था कि कंपनी लॉस में चलती थी, आपको याद होगा 60-70%, ठीक है, एंड अभी सीधा 200%। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में अगर आप आते हो तो लंबी पारी आपको खेलनी आनी चाहिए, एंड गिरावट अगर होती है तो ऐसा नहीं कि बैठना होता है, चेक करना होता है कि भाई गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अभी गिरावट के पीछे का रीज़न तो बच्चे को पता ही है कि क्या हुआ था करके, यस, वो जो 2018 में जो सरकार ने बहुत सारे नए बदलाव लाए थे ऑटो सेक्टर में, पूरा ऑटो सेक्टर गिर चुका था, एंड आज आप देख सकते हैं पूरा ऑटो सेक्टर कमबैक भी कर चुका है। हम लोगों ने इसको तो 2 डिजिट में देखा था, टाटा पावर को देखा था, टाटा मोटर को भी देखा था, एंड मदर्स एंड सुमी को भी देखा था। अभी इसका नाम चेंज होके वो अलग स्प्लिट होके आपको वो 2 डिजिट में देखने को मिला, इसलिए उसकी स्टोरी डिफरेंट है, वरना देखा गया वो भी 3 डिजिट में चलता था। एनीवेज अभी आ जाते हैं दोस्तों टाटा मोटर के नंबर की ओर। सो ठीक है दोस्तों, नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, उसका उन्होंने टोटल आउटकम बताया कैसा परफॉर्मेंस करके, बट जैसे मैंने कहा कि एज अ शेयर होल्डर मुझे इन बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से चल रहा है। बट चलिए फिर भी अगर आपको हेडलाइन पढ़ना होगा तो हेडलाइन में क्या लिख के आएगा, तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक लेवल के जो सेल्स है टाटा मोटर के September 2023 से लेकर 2022 की अगर हम बात करें, 2022 से 2023 की, तो 2% का हम लोग को इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो HCV की अगर हम लोग बात करें, हेवी कमर्शियल व्हीकल के जो ट्रक्स है, 45% की जंप है, देन 2% की जंप नेक्स्ट हम लोग को ट्रक में देखने को मिल रहा है। देन PC की बात करें, पैसेंजर कैरियर, 46% की जंप है। देन SCV कार्गो की बात करें, पिकअप की बात करें तो 6% की गिरावट है, टोटल कमर्शियल सेगमेंट की तरह 13% अप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, बट जैसे मैंने कहा कि टाटा मोटर का रिएक्शन इसके ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जितने भी बड़े प्लेयर्स ने भी पैसा लगाया है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, बड़े प्लेयर्स मतलब मैं अपनी बात बड़े प्लेयर में नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटा ही प्लेयर हूँ, बट फिर भी अगर देखा गया तो मुझे भी टाटा मोटर इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक ही फैक्टर के चलते, इलेक्ट्रिक व्हीकल। कल अगर टाटा मोटर अनाउंस कर दे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका, तो फिर हम भी बोलेंगे भाई हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। तो टाटा मोटर की बात करें तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो प्रॉपरली समझ में आ गया। तो 3,864 यूनिट इतने यहाँ पे पिछले साल में सितंबर में बेचे गए थे, इस वक्त सितंबर की बात करें तो 6,000 यूनिट, तो कितना जंप है, 57%। तो बहुत ही कमाल का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है टाटा मोटर का, वो आज भी हम लोग को अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो MD है, ठीक है, उन्होंने भी यही कॉमेंट्री दिया कि EV बिजनेस की बात करें तो स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एंड वो बरकरार भी यहाँ पे रहने वाला है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस टाटा मोटर का EV सेगमेंट में यहाँ पे चल रहा है। सो जो भी लोग ये सवाल पूछते रहते, बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल पूछते रहते सर टाटा मोटर में जाए क्या जाए क्या, देखिए ऐसे हम लोग रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, ठीक है, बट मैं आपको सिखाने के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि भाई जाना है तो ये प्राइस देखकर नहीं, मैंने आपको ये भी कहा था कि एक ज़माने में ये टॉप पे चला जाएगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए, अरे ऐसा नहीं सोचना है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है क्या, अगर आपका सवाल का जवाब है नो, तो फिर आपको टाटा मोटर क्या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में जाना नहीं चाहिए।
अगर आपको लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर है, देखिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, इतना सिंपल नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बीच बीच में गाड़ियों को आग भी लगेगी जो कि हम लोगों ने देखा भी है, बट उसी से बीच बीच में रास्ता निकाल कर ये कंपनियां आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। एंड ये ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो टाटा मोटर इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड प्लस अगर देखा गया बाकी की चीज़ें भी मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, खास करके कौन सी, देखिए अभी तो ये 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी टाटा मोटर का हार्ट क्या है, हार्ट ये सबसे ज़्यादा कमाई किससे करते हैं, जैगवार एंड लैंड रोवर, ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी कमाई है। बट आपको पता है टाटा मोटर जो पेट्रोल डीजल वाला टाटा मोटर था ना, आप मेरे पुराने वीडियोस देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पूरा 50% मार्केट शेयर मारुति ने खा के रखा हुआ है। अभी टाटा मोटर यही अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करने वाला है, कौन सा, कि हमारे देश में जो पैसेंजर व्हीकल में जो बिजनेस चलता था पेट्रोल डीजल का, वो धीमे धीमे करके कम हो जाएगा, एक झटके में नहीं होगा, लगेंगे 20-30 साल लगेंगे। एंड उसको रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, हाइब्रिड जो गाड़ियाँ रहती है उनके और हम लोग को लोग शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड वहाँ पे टाटा मोटर को क्या करना है, अपनी पकड़ जमानी है, इसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं। एंड इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो अर्ली मूव उन्होंने लिया है उसका फायदा उनको बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, इसीलिए इनका मार्केट शेयर 70-80% तक ईवी में देखने को मिल रहा है। अगर मैं अभी आपको ये अगस्त मंथ का डेटा दिखा दूँ ना, ये देखिए अगस्त मंथ 2023 का डेटा, यूनिट जो सोल्ड यहाँ पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिट्स किसके सोल्ड हुए पता है आपको, नंबर वन तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 18,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे सोल्ड हुए हैं। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है, देखो बलेनो किसकी है, मारुति सुजुकी की है। देन तीसरे नंबर पे वैगनर 15,000-15,500 यूनिट। देन चौथे नंबर पे ब्रेजा, अब देख रहे हो पूरा मारुति ने मार्केट खा के रखा हुआ, ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद टाटा पंच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट एक ही। फिर उसके बाद हुंडई की क्रेटा, देन अगर हम लोग नीचे चले जाएंगे तो मारुति सुजुकी डिज़ायर, देन एरटिगा, देन आप और भी अगर आप चेक करोगे तो सारे आपको मारुति के ही देखने को मिलेंगे। मतलब टॉप 10 में अगर देखा गया तो एक ही टाटा की पंच है एंड वो हुंडई की क्रेटा देखने को मिल रही है, बाकी सबके सब मारुति ने ही कैप्चर करके रखा है। इसी मार्केट को टाटा मोटर कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो इतना फास्ट कदम उठा रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल से लोग अगर ईवी पे शिफ्ट हो गए एंड मारुति बहुत पीछे रह चुका है। देखिए मारुति आउट नहीं है, मारुति का कमबैक बहुत सॉलिड रहेगा, ये कोई ऐरी गैरी नत्थू गैरी कंपनी नहीं, बट हाँ उनसे एक गलती होगी कि पहले उन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया, खुद उन्होंने कहा था कि इतना नहीं चलेगा करके, अभी उन्होंने ये एडमिट किया कि उनसे गलती हो गई। एंड गुजरात में उनका प्लांट भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट पहली गाड़ी 2025 में आएगी, सो उसके बाद मारुति का जो कमबैक रहेगा वो सॉलिड यहाँ पे रहने वाला है। बट उससे पहले टाटा क्या करने की कोशिश करेगा, यस जितना हो सके पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेगमेंट अगर आगे बढ़ने वाला है तो उसमें वो अपनी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इस थियोरी के अगर अगर आपका भरोसा है तो ही टाटा मोटर को स्टडी कीजिएगा, निवेश करने का विचार कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं टाटा मोटर यहाँ पे अच्छा नाम नहीं बना पाएगा तो फिर निवेश करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये इस प्रकार से एनालिसिस आप लोगों ने यहाँ पे करनी होती, इतना सिंपल होता है। बाकी की बात करें PNL, बैलेंस शीट, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहती है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी टाटा मोटर में क्या ही बताएं, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छे खासे देखने को मिल ही जाते। तो ये हो गई दोस्तों टाटा मोटर की बात। देन आ जाते दोस्तों टाटा पावर। यस दोस्तों टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो हरा रंग है यही इनमें हम कह सकते हैं चार्ट पैटर्न हरे रंग में इसका बदलने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब क्या हरा रंग, मतलब क्या, यस ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, यही एक ऐसी चीज़ है जो कि टाटा पावर के भी दिन बदल सकता है। और ये मैं बार बार आप लोगों को प्रूफ के साथ बोल चुका हूँ, टाटा पावर जैसी वाहियात कंपनी आपको मिलेगी नहीं 2020 से पहले। क्यों नहीं मिलेगी, कर ही नहीं सकते कुछ, सरकारी पूरा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। पावर आप लोगों को, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कितने बिगनर लोग ये सवाल पूछते भी है, सर इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनी में जाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी तो 24 घंटा लगती है। बात तो सही है बट वहाँ पे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन आते हैं, वो एक लिमिट के ऊपर चार्ज कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं 12 साल तक टाटा पावर नीचे जा रहा था एंड बाद में हम कह सकते हैं एंट्री हो गई रिन्यूएबल सेक्टर की। एंड वहाँ पे देखिए 12 साल का रिकॉर्ड ऐसे चुटकियों में तोड़ दिया कंपनी ने। तो रिन्यूएबल सेक्टर ने तो पहले ही प्रमाण दे दिया है कि भाई हम तो यहाँ पे धूमधड़ाका मचाने वाले हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। ये टाटा पावर एंड मोटर की बात करें, इनमें एक ही चीज़ है, जिनमें पेशेंस नहीं है ना, टाइम नहीं दे सकते, वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये बात मैंने इसके पहले भी कही थी, आज देखिए वो लोग पछता रहे जिन्होंने बेचा था माल, ठीक है। अभी वो वापस आएंगे, वापस आके निवेश भी कर लेंगे, वापस 2 साल में बाद बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, इसमें सालों साल रुकना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो डिसीजन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे कि कंपनी कितना सही तरीके से बिजनेस यहाँ पे कर रही है। टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी कर्जा रहता है, बट बैलेंस शीट देखा गया तो ठीक ही है यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी ईवी में ही काम करती है, ठीक है। उसी के साथ साथ सोलर रूफटॉप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है,
बाकी का तो उनका एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पुराना बिजनेस तो चल ही रहा है, बट रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए भी इन चीज़ों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? यस, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप तो बहुत ही एग्रेसिव ग्रुप है, बट वो फिलहाल अटका हुआ है अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे टाटा क्या कर रहा है? यस, बहुत सारी जगह पे बाजी मारने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो आप देख सकते हैं उनका टारगेट ईवी क्या है, 100,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे 2025 तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद रिकरिंग अमाउंट भी इनको आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये दोनों कंपनियां एकदम जबरदस्त कंपनियां हैं। 83,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने का यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, हाल ही में हम लोगों ने खबर देखी थी, कौन सा, कि टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप यहाँ पे किया है। किस से रिलेटेड? सोलर प्लांट से रिलेटेड, तमिलनाडु में। हाल ही में हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी ये सेम चीज़ यहाँ पे देखी थी। एंड टाटा पावर रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही, ऐसे और 3 स्टेट के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये खबर चलो गलत भी साबित हो गया, बट भविष्य में तो सच होने वाली है, क्योंकि आज नहीं तो कल रिन्यूएबल सेक्टर को सरकार ही बढ़ावा दे रहा है। एंड इतने बड़े स्तर के ऊपर काम करने वाली बड़ी कंपनियां बहुत कम है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे देखा गया तो टाटा पावर भी, अगर हम कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई विचार कर रहा है टाटा पावर एंड मोटर में जाने के लिए, तो एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों, बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, तभी जाके बड़ा स्कोर बना पाओगे। शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पे आए टाटा मोटर में भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे चले गए एंड अभी रो रहे हैं कि काश में होल्ड कर लेता। ये काश हमेशा हर किसी के जीवन में आ ही जाता है, जो कि बिना एनालिसिस के क्या कर लेता है, रैंडमली बाइंग यहाँ पे कर लेता है। जो प्रॉपरली स्टडी कर लेता है उनको कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। तो टाटा पावर मोटर कमाल की कंपनी है, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो।